जिसे आप लोग सवाल कह सकते हैं, हालांकि सवाल नहीं है ना, लेकिन सवाल कहा जाता है। और क्या? भगवान भोले बाबा का पावन दरबार है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं यहां पर, क्योंकि इधर अगर मैं आया हूं तो सिर्फ कालू खेड़ा तक। कुछ लोगों ने फोन से मुझसे कहा कि भैया ये गाना गाना जरूर, क्योंकि औसत का गाना है। तो शिवानंद भाई, परेशानी की कोई बात नहीं, पहला गीत भैया लोगों की फरमाइश भी है और अवसर के हिसाब से। जय हो। चलो कोई बात नहीं, पेन तो है, ये है तुम्हारे पास, लिख तो ले रही हो। एक गीत बजा था कभी, कौन सा? रोशनी जी कहाँ है? और क्या बताओ, कहाँ? जल तो रही है। नहीं नहीं, वो प्रकाश वाली बात नहीं कर रहे हैं। और क्या? क्योंकि हम पहला गीत गाने जा रहे हैं। और क्या? ये सब कॉन्टेक्ट वालों का है। मन गाने में तब लगता है जब सामने वाला कलाकार बैठ जाए। और क्या? शिवानंद भैया बैठे, मान में सब लोग बैठे हैं। चलिए, मैं अपनी ओर से गीत गा रहा हूं। चलो बेटा, क्योंकि हमारी आपकी पहली जवाबी नहीं है। और क्या? तो मैं पहले गुजरे हुए उन इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुझे बनाने वाले ने। और गीत चालू होता है। हो हो बगैर अधूरे अधूरे से है, इसलिए
इसलिए कहना चाहता हूँ क्या देवो के देव महादेव है महादेव है यानी आदि देव तो हमारी माँ महादेव प्रिया महादेवी देवों के देव महादेव है महादेव प्रिया महादेवी लेकिन एक बात और कि महादेव का तो अगर हम महादेवी की बात करें यानी माता जी की तो बात आती है देवो के देव महादेव है महादेव प्रिया महादेवी ओ महादेवी का दुखद समय था महादेवी का दुखद समय था मन भावन नवरात सृष्टि पर अकाल पड़ गया लोग त्राही त्राही करने लगे उस समय माता रानी सहस्त्रों नेत्रों से नौ दिन नवरात रोई है तो वहां भी नवरात्रि की उत्पत्ति हुई देवों के देव महादेव है महादेव प्रिया महादेवी ओ महादेवी का दुखद समय था मन भावन नवरात महादेव का सुखद समय ये है पावन शिवरा जिसे हम आप महाशिवरात कह रहे हैं वैसे शिवरात्रि तो कई है लेकिन मैं जिस शिवरात्रि की बात कर रहा हूं उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है तो महादेवी का दुखद समय था मन भावन नवरा तो महादेव का सुखद समय है मन भावन शिवरा अब एक बात लाने का प्रयास कर रहा हूं क्या कि माता पिता एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं लेकिन लेकिन दोनों में विषमता है तो विषमता कैसे है सुने आप लोग सुने शिव अजर अमर तो यानी भोले बाबा अजर अमर है लेकिन माता कभी सती तो कभी पार्वती बन के आती शिव भ्रमित ना हुए मां सदा भरमती शिव भस्म साई मां रूपवती भस्म भगवती रमाए वो तो बैठे हैं लेकिन मां तो मां है शिव भस्म साई मां रूपवती ओ शिव शक्ति अपार मां पार्वती शिव शक्ति वरदानी वरदानी औघरदान जिस पर प्रसन्न हो गए उसे वरदान दे देते हैं क्यों ना वो भस्मासुर हो वरदानी औघड़दान लेकिन माँ करती बचत है भवानी ओ शिव तो सदा मनाते पर शिवा करे मनवानी मनवानी
समझाते हैं पार्वती ऐसा ना करो ऐसा ना करो, लेकिन वो कहा मानती है। भाइयों तो शिव तो सदा मनाते पर शिवा करे मनमानी, ओ गौर वर्ण के शिव शंकर है हा, बाकी गौर वर्ण के शिव शंकर तो शिवा है कालराज, महादेव का सुखद समय है मन पावन शिवराज, महादेव पढ़ रहा हूं। और क्या शिव प्रलयंकारी ये देखिए हमारे बड़े भैया सम्माननीय आदरणीय अमरलाल जी की ओर से सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्हीं की ओर से ये एक नहीं दो नहीं अनगिनत पुस्तकों के माल और साथ ही साथ 501 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है, कोट कोट नमन है। और मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि जितना भी आप धर्म के कार्य में खर्च करते हैं उससे 100 गुना आपको दे हो, आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे, आपका नाम रोशन करे आपके आने वाली पीढ़ियां। और नमन है हमारी ओर से आपको व आपके समस्त परिवारजनों को। आइए सुने अब अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। शिवपति परमेश्वर सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, लेकिन भोले बाबा प्रलयकारी। जय हो उमा मां, मां तो मां होती है, मां का दिल तो मां जैसा होता है, पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो लेकिन अगर मां के सम्मुख जाएगा तो मां क्षमा कर देती है। इसलिए क्या बात है बड़े शिव प्रलयंकारी मां बनी क्षमा, शिव काम विजयी कामिनी रमा, शिव में विराग रागिनी है मां। एक बात और, क्या शिव का जिस पे विश्वास रमा, रच महेश उर मानस रखा, अंतःकरण में राम को बसाने वाले भगवान भोले बाबा। जय शिव का जिस पे विश्वास रमा, मां उन पे शंका करती कि ये बन बन भटकने वाले विष्णु अवतारी नहीं हो सकते। शिव का जिस पे विश्वास रमा, मां उन पे शंका करती, और शिव मना के हार गए है पर सती है मन का डरती, तो शिव तन को सर्पो से सजाए मां, शिव तन को सर्पो से सजाए, और यही मां क्या
जेवरात भी अद्भुत है। 12 प्राकृतिक जेवरात माता धारण किए तो शिवतन को सर्पों से सजाए और निज तन साजे जेवरात। तो महादेव का सुखद समय है मन भावन शिवरा। अगली पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब एक दूसरे के अगर ये पूरक है तो है कैसे, कैसे है कैसे, विचार करिएगा आप लोग। आशा करते हैं कि समझ में आएगी बात। शिव दीपक है तो स्वाति और बिना माँ के क्या बात है। शिव सब तन है तो शिवा प्राण, शिव सब तन है तो शिवा प्राण। ओए देखने को मिला पुराणों के माध्यम से, दिखे एक जिस्म पर दो है जान। शिव सब तन है तो शिवा प्राण, और दिखे एक जिस्म और दो है जान। क्यों एक दूजे के पूरक जैसे अगन पवन है, एक दूजे के पूरक जैसे अगन पवन है। वो अर्धनारे स्वरूप देखा तो आधे आधे तन में सजनी और सजन, और जो बात मैंने कही दिखे एक जिस्म और दो जहजान। जब भोले बाबा के रहवे रुद्र से बजरंग बली बाबा का अवतार लेते हैं तो पूंछ बनकर माँ पार्वती आई, जय हो। इसलिए कहा आधे आधे तल में सजनी और सजन है। प्रेम से बोलिए माता रानी की, प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। अब मैं महारात की बात नहीं करूंगा कि सफल हो जाए जयकारों से, सफल हो जाए देव का सुखद समय है मन भावन शिवरा। ये सम्माननीय बड़े भैया श्री सुंदर सा कार्यक्रम और आप लोग देख भी रहे थे। अजय भैया इशारा करने के लिए कुछ कहना नहीं, बड़ी सुंदर सी तर्ज। और ना जाने क्यों आप इसको गाएं या ना गाएं,
अगर ये गीत रेडियो में भी बज जाता है तो आप ही की याद आती है। बिल्कुल आपसे इस गीत का इतना अच्छा काम तो अजय देवगन ने भी नहीं किया होगा। ना बेटे ना, अक्सर बहुत जबरदस्त है ये आंखें, ये चेहरा और आंखें से ज्यादा आपकी जुल्फे नजर आ रही है। आइए कहला है, अरे कितना हसीन चेहरा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से इन्हें मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से इन्हें मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से इन्हें मेरे यार, कुदरत ने बनाया महादेव का सुखद समय था मन भावन शिवराम, जहां तक आपको मिला था आपने सब कुछ बोल दिया है। आइए आपकी बहन प्रयास कर रही है, सुनिएगा और मेरा मानना है कि आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने देखा और पढ़ा भोलेनाथ के बारे में तो देखिए कुछ विशेषता मुझे भी मिल गई, तो कहना पड़ा क्या है? कालों के काल महाकाल है, काल महाकाल है, महाकाल प्रिया महाकाली, कालों के काल महाकाल और महाकाल की प्रिया है महाकाली। तो मेरी बात कह रही है,
काल हो के काल महाकाल है, महाकाल प्रिया महाकाली। तो सुनिएगा कि शिवरात्रि नवरात्रि मिली जो, अजय भैया, कि शिवरात्रि नवरात्रि मिली जो, अरे हीरा जवारा। सुनते रहिएगा, सुनिए सुनिए और समझिए। मुझे शिवरात्रि और नवरात्रि मिली कैसे? कैसे? शिवरात्रि नवरात्रि मिली जो हीरा जवारा, तो बारा ही नवरात मिली और बारा ही शिवरात्रि। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, इसलिए मैंने ये बात कही ज्वाला भैया। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, गुरुदेव ने हाँ बोल दिया, समझ लो जवाब सही है। और क्या कहना कि शिवरात्रि नवरात्रि मिली जो, अरे हीरा जवारा, तो बारा ही नवरात मिली और बारा ही शिवरात्रि। हमारे उदय गौतम जी लोहली, आपकी ओर से पंक्तियों पर 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और जगदीश प्रसाद जी लोहली, आपकी ओर से भी 51 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से बार बार धन्यवाद है, भैया को नमन कर रही हूँ। और भैया प्रताप सिंह लोहली, आपकी ओर से भी 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आशीर्वाद आप लोग देते रहिए, मैं बाद में बोलती रहूंगी। बिल्कुल बेटे, कहना क्या? अब आप और भी मिलाइए, उपमाएं कैसी हैं ज्वाला भैया? कुछ उपमाएं उधर से चल रही थी, आगे अपना भाई प्रयास कर रही हूँ कि कोई ऐसा ही कुछ आ जाए। शिव श्याम घटा तो अच्छी है। सुने कहना है क्या कि शिव श्याम खता तो माता है दामिनी। अजय भैया मिलाते जाइएगा, अगर श्याम घटा है तो माता दामिनी है, और शिव चंद्र की आभा तो माता चांदनी। उपमाएं देखिए, समझते रहिए। अगर भोलेनाथ शिव चंद्र की आभा है तो माता चांदनी है, और मिला क्या? शिव शून्य स्वयं तो माता धरल, शिव शून्य स्वयं तो माता धरल, शिव सूर्य से उज्जल माता तपन, शिव सूर्य से उज्जवल तो माता तपन। तो मेरी बात कह रही है एक तुझे के सही होगी, जो सच है वो सच है, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा ऐसा होता है अगर एक भी पहिया हट जाए तो गाड़ी गड़बड़ ही है। इसलिए एक तुझे के सही होगी, कैसे? जैसे दोनों नयन है, अगर एक आंख में कोई दिक्कत आ जाए, और एक आंख से दिखता तो है मगर वो चीज नहीं रहती है, इसलिए
लिख तुझे के सही होगी जैसे दोनों नयन है। और मैंने पाया माता है वो रसना के जैसे माता रसना स्यू मानो तो वचन स्यू मानो तो वचन स्यू मानो तो वचन। अजय भैया नोट करिएगा कि लाश नृत्य करते हैं शिवा स्यू भोलेनाथ ने और माता भवानी ने न जाने कितने साथ में नृत्य किए हैं, जिसमें एक नृत्य आप लोगों ने सुना होगा तांडव नृत्य, उसमें से एक नृत्य ये भी है लास्य नृत्य। तो मेरी बात कह रही है क्या, अरे लास्य नृत्य करते हैं शिवा स्यू और बात रहे खैरा तो बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरात। और सुनिएगा सुनाइएगा आशीर्वाद मैं सबके बाद में बोल दूंगी जिससे गीत का आनंद न खत्म हो। सुने और देखिए क्या मिला। शिवरात्रि से जुड़े हुए कुछ कथानक बता रही हूं कैसे शिव जी समाधि में है लीन हुए होते तब से है वो त्रिपुरारी तब से है वो त्रिपुरारी तब से है वो त्रिपुरारी। क्योंकि चाहे जितना जंगल हो कहीं ना कहीं भोलेनाथ मिल जाएंगे। जंगल में भी अगर मिल गए तो नाम पड़ गया जंगलेश्वर। झंडे के नीचे है तो झंडेश्वर। और आज दिन में हम लोग थे झंडेश्वर में।
तो इसलिए कह रही हूँ कि मूक से पारथ को है बचाए, अरे मूक से पारथ को है बचाए, बनकर आपकी राह तो बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा, बारह ही नवरात मिली है बारह ही शिवरा, बारह ही नवरात मिली तो बारह ही शिवरा। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, कथानक तो तमाम मिल जाते हैं, अंतिम बात सुना रही हूँ सुनिएगा और निवेदन कर रही हूँ जितने लोग बैठे हैं विचार करिएगा। जब और पढ़ा लिखा तो कुछ और मिल रहा है जब भैया कि ज्योतिष की गणना में है पाया, चारों तरफ सब प्रलय हो जाता था, सब खत्म होने लगता था। तो अजय भैया, इस धरती पर ज्वाला परसी, परसियों से संग परसियों के संग ज्वाला हरसी, परसियों के संग ज्वाला हरसी, परसियों के संग ज्वाला हरसी। तो मेरी बात कह रही है शिव रात को मंथन का विश्व, जिस दिन विष पिया उस दिन भी शिवरात थी। तो कह रही हूँ कि शिवरात को मंथन का विष हर पी के हुए विषधार, बनी ग्यारह रुद्राणी है और ग्यारह रुद्र सुखकारी, और ग्यारह रुद्र सुखकारी, और ग्यारह रुद्र सुखकारी, बनी ग्यारह रुद्राणी है और ग्यारह रुद्र सुखकारी। तो कह रही हूँ कि कितनी घटना घटी सरस है, अरे कितनी घटना घटी सरस है, देखो ना तो रात, तो बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा, बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा, बारह ही नवरात मिली और बारह ही शिवरा, बारह ही शिवरा, बारह ही शिवरा। शंकर भगवान।